आइए आपको सीधे बनारस ले चलते हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला दिवस के मौके पर अपने संबोधन में महिलाओं को न केवल शुभकामनाएं देते हुए बल्कि क्या रोडमैप सरकार का है उसके बारे में बताते हुए। माता अहिल्याबाई के संकल्प के साथ काशी के लाखों जनों और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को उनकी भावनाओं के साथ आज मुझे खुद को जोड़ने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में उस बाबा के दिव्य प्रांगण को भव्य स्वरूप देने का काम उसका आज शुभारंभ किया गया है। हजारों वर्ष से जिस दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं उसके साथ अब भव्यता का भी रंग रंगे से रंग जाएगा। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ करने के बाद आप सभी बहनों के बीच आपके श्रम को नमन करने के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं। और अभी मैंने ग्रामीण जीवन में अपना जीवन की आजीविका चलाने वाली दो बहनों के अनुभव सुने। आप मुझे बताइए आपके मन को उनकी बातें छू गई कि नहीं छू गई? हमारी बहनें क्या कर सकती हैं ये आपका विश्वास जगाया कि नहीं जगाया? हमारी बहनें अगर चाहती हैं तो कितना बदलाव ला सकती हैं इन दो बहनों ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अब सुना तो हमने दो बहनों को है लेकिन हर बहन यहां जो बैठी है और जो हजारों लाखों बहनें इस कार्यक्रम के साथ दूसरी दशाओं पर जुड़ी है उनकी भी ऐसी ही रोचक कहानी है, सफल कहानी है, प्रेरक कहानी है। साथियों हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही है। प्रसूता माता के पोषण के लिए 6000 रुपए की सीधी मदद हो, अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो या फिर बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान। ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट में हम एक ऐसा कानून रखा है लाने के लिए, अच्छा होता पार्लियामेंट चलती तो वो भी काम मैं कर देता, लेकिन कभी कभी राजनीति ऊपर आ जाती है तो काम या तो धीरा हो जाता है या अटक जाता है। हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं, आपने देखा होगा कि विदेशों से लड़के शादी के लिए आते हैं और हमारे मां बाप को भी लगता है चलो बेटी की शादी है बेटी विदेश जाएगी और वहां जाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो उसको चिंता ही नहीं करता। हम ऐसा कानून लाए हैं कि हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों विदेश में अगर शादी करके जाती और बाद में अगर उनके साथ धोखा होता है अन्याय होता है तो अब वो धोखा देने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसा कानून महिलाएं गांव में हो या शहर में उन्हें उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।
मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ये कानून नहीं है जो हमने किया है। 26 हफ्ते मतलब आधा वर्ष मां अपने नवजात बच्चे के साथ 6 महीने अब गुजार पाएगी, उसको नौकरी के लिए नहीं जाना होगा, सरकार उसकी चिंता करेगी। रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, इसलिए हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए दफ्तर में क्रैच की भी व्यवस्था का नियम बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें महिलाओं के नाम घर की रजिस्ट्री कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। वरना हमारी समाज रचना कैसी है, घर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, खेत है पति के नाम पर, स्कूटर खरीदा पति के नाम पर, दुकान ली पति के नाम पर, और पति नहीं रहा तो सब कुछ बेटे के नाम पर। मां के नाम पर कुछ नहीं। हमने कानून बनाया कि भारत सरकार की तरफ से योजनाओं से जो मकान मिलेगा उस पर पहला नाम महिलाओं का रहेगा। महिलाओं को घरेलू जमीन और कृषि भूमि दोनों पर संयुक्त पट्टे से जमीन नीतिगत प्रावधान भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, खनन के क्षेत्र में अंडरग्राउंड काम करने के लिए पहले महिलाओं को मंजूरी नहीं मिलती थी। क्यों भाई, कभी कभी तो पुरुषों से ज्यादा काम करके दिखाती है। हमने कानून बदल दिया, अब वो काम भी महिलाएं चाहे तो कर सकती है। अब खनन क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए नए अवसर नए मार्ग खुल गए हैं। हाल ही में ये भी फैसला लिया गया है कि भारतीय सैन्य सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। हमारे देश के फौजी जब पराक्रम करते हैं तो सिर्फ पुरुष को ही गर्व होता है ऐसा नहीं, बेटियों को भी लगता है अगर मौका मिले तो हम भी करके दिखाएंगे। लगता है कि नहीं लगता है? हमारी सेना ने अभी किया, उससे आप खुश हैं? हमारी सेना के लिए आपको गर्व होता है? आपका भी मन करता है कभी आपकी बेटी भी ऐसे ही खड़ी हो जाए? आपका मन करता है? ये काम हम कर रहे हैं। आज भारत में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है तो नाव से समंदर की पूरी परिक्रमा भी कर रही है। मुझे बताया गया है कि आज ही भोपाल से बिलासपुर के बीच एक ट्रेन चलाई जा रही है जिसमें ट्रेन की ड्राइवर गार्ड कर्मचारी सब महिलाएं हैं। और अभी योगी जी बता रहे थे, आज जब मैं काशी आया तो काशी का पूरा एयरपोर्ट का संचालन